इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्यों हम मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और किस तरीके से सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम करता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन काम करता है फिर हमने स्पोर्ट वेक्टर मशीन देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा और के नियर एस देखा इनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और कौन कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम कब यूज़ करना है मैं स्क्रीन आपके सामने ले आता हूँ और इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक जितने हमने एल्गोरिथम पढ़े हैं सबसे पहला हमने पढ़ा था लीनियर लीनियर रिग्रेशन ठीक है और इसके अंदर हमने पढ़े हैं जनाब सिंपल लीनियर रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीलिनियर रिग्रेशन मल्टीलिनियर रिग्रेशन नंबर टू इज मल्टीलिनियर लीनियर रिग्रेशन ठीक है सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन कौन सी रिग्रेशन की टाइप होती है जिसके अंदर आप का जो इनपुट फीचर होता है यानी कि एक्स होता है उसका वाई के साथ लीनियर रिलेशनशिप होता है ठीक है यानी कि इन दोनों में अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा विच इज़ लाइक दिस तब आप लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं और अगर एक x वेरिएबल हो तो सिंपल लीनर रिग्रेशन लगता है अगर मल्टीपल x के वेरिएबल्स हों तो हमारे पास मल्टीलिनियर रिग्रेशन लग जाता है ठीक है x1 x2 x3 एंड y, ठीक है सो so, ये हमारे पास प्लॉट करने के लिए आप मल्टीपल लाइंस को प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं राइट सो so, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीलिनियर रिग्रेशन हमने देखा था फिर इसके बाद जो अगला एल्गोरिथम था विश्वास नंबर टू नंबर वन पे हमने ये देखा वो हमने देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब हमारे पास अमल में आता है जब हमने लीनियर कंबिनेशन ऑफ लीनियर कंबिनेशन तो हमने देखने हो कंबिनेशन ऑफ फीचर्स लेकिन एट हम क्या करते हैं इसको एक सिग्मोइड फंक्शन को यूज करके सिग्मोइड फंक्शन को यूज करते हैं और इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं लीनियर फंक्शन को क्लासिफाई सो so, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस वजह से देखा ताकि हम चेक कर सकें कि चीज़ों को जब क्लासिफाई किया जाता है तो क्लासिफिकेशन के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है उसकी बेस मॉडल कैसे बनाई जाती है क्लासिफिकेशन के लिए हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ किया था और लीनियर रिग्रेशन को हमने यूज़ किया था रिग्रेशन के एल्गोरिथम के लिए ठीक है so, सो ये दो हमारे पास टाइप्स हो गई फिर हमारे पास एक तीसरी टाइप ऑफ एल्गोरिथम था जिसके अंदर हमने देखा था स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स को यह स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्या अज्यूम करता है कि अगर आपके पास लीनियर डेटा है तब भी ये काम करता है वेल एंड गुड एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन और ये आपका नॉन लीनियर डेटा पे भी काम करता है नॉन लीनियर डेटा के भी ऊपर ठीक है तो इस वजह से हमने स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स को देखा था और ऑन द अदर साइड स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स जो हैं ये बेसिकली आपको रिग्रेशन में भी हेल्प करते हैं रिग्रेशन के एल्गोरिथम के लिए भी और सेकेंडली आपको क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए भी और आपको ये आउटलायर डिटेक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं आउटलायर डिटेक्शन के लिए ठीक है सो एस को हमने क्यों देखा क्योंकि हमारे पास अगर डेटा नॉन लीनियर है यानी कि हमारा डेटा जो है नॉन लीनियर लीनियर से मुराद होता है कि इन दोनों का कोई ट्रेंड बन रहा हो दो पैरामीटर्स का नॉन लीनियर ये होता है कि ऐसे स्कैटर डेटा फैला हुआ है आप कोई भी ट्रेंड नहीं बना सकते तो आपने क्या करना होता है दो चीज़ों को सेपरेट करना होता है बेस्ड ऑन आ हाइपर प्लेन हाइपर प्लेन अगर हम देखें तो ये एक सेपरेटन सेपरेशन की लाइन होती है जो दो क्लासेस के अंदर सेपरेशन के लिए बनाई जाती है और ये डिफरेंट किस्म की सेपरेशन की लाइन भी हमने देखी थी हमने डिफरेंट किस्म के कर्नल्स भी इसके अंदर देखे थे ठीक है सो ये हमारा नॉन लीनियर डेटा पे भी काम करता है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन से आगे नॉन लीनियर डेटा के ऊपर भी ये काम करता है फिर हमने नंबर फोर्थ एल्गोरिथम जो है वो पढ़ा है नंबर फोर्थ एल्गोरिथम वॉज के नियरेस्ट नेबर के नियरेस्ट नेबर्स क्या करते हैं ये बेसिकली डिस्टेंस की बेस पे आपको बताते हैं कि जो एक अन वैल्यू है वो कितनी क्लोज है मतलब ये कि ये हमारे पास अगर एक वाइट पॉइंट है और हमने रेड पॉइंट्स के यानी कि जो हमारे नॉन पॉइंट्स हैं उसमें वाइट पॉइंट को देखना है तो हम इसके करीबी नंबर ऑफ पॉइंट्स को देखेंगे और उनके मीन, मीडियन या मॉड की बेस पे मीन, मीडियन या मॉड की बेस पे हम क्या करेंगे या तो रिग्रेशन करेंगे मीन और मीडियन की बेस पे यानी कि हम एक नुमैरिक वैल्यू देंगे मॉड की बेस के क्या होगा हम चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे ठीक है सो मीन मीडियन और मॉड की बेस पे हमने चीज़ों को क्लासीफाई किया या रिग्रेशन की तरफ लेके गए और के नियरेस्ट नेबर हमारे पास के नियरेस्ट रिग्रेसर भी होता है रिग्रेसर भी है इसका हमारे पास और हमने इसका क्लासिफायर भी देखा क्लासिफायर और हमने इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस मैनहटन डिस्टेंस और हमारे पास जो मिंकॉस के डिस्टेंस हैं इन तीन चीजों को देखा पैरामीटर्स को देखा और बाकी चीज़ें देखी अब के नियरेस्ट नेबर की एक खसूसियत यह है कि के, के नियरेस्ट नेबर आपका नॉन पैरामेट्रिक डेटा पे भी लग जाता है यानी कि अगर डेटा नॉर्मल नहीं है नॉन पैरामेट्रिक है पैरामैट्रिक डेटा है तो तब ये उसके ऊपर भी के नेबर हमारा जो है अप्लाई हो जाता है तो अभी तक हमने जितनी भी डेटा टाइप देखी हमने लीनियर भी देख लिया हमने क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद लीनियर भी देख लिया और ये भी देख लिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं फिर हमने स्पोर्ट वैक्टर मशीन्स को देखा फिर हमने के नियरेस्ट नेबर को देखा स्पोर्ट वैक्टर मशीन नॉन लीनियर डेटा पर काम करती है और नॉन लीनियर डेटा के अलावा अगर नॉन पैरामेट्रिक डेटा है विच डजेंट फॉलो आ रिग्रेशन लाइन तो आप उसके ऊपर भी के नियरेस्ट नेबर रिग्रेसर जो है वो लगा सकते हैं या आप केनीरस क्लासीफायर उसके ऊपर लगा सकते हैं इस वजह से हमने केनियरस नेबर को देखा था अब आज का जो एल्गोरिथम है वो होगा हमारा नंबर फिफ्थ एल्गोरिथम विच इज नेम्ड एज डिसीजन ट्री ठीक है इसके अंदर क्या होगा आप एक ट्री की शेप से चलेंगे फॉर एग्जाम्पल ट्री क्या होता है कि यहाँ पे उसके रूट्स होती हैं ठीक है ये उसका स्टेम होता है राइट right? फिर इससे ब्रांचेज निकलती हैं ब्रांचेज के बाद फिर ऐसे करके लीव्स बनते हैं ठीक है समथिंग लाइक दिस सो ट्रीज़ की अगर शेप देखी जाए तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ब्रांचेज डिफरेंट किस्म की शेप्स बन के ट्रीज बनता है सो डिसीजन ट्री क्या होगा आप एक रूट से चलेंगे और यस yes या नो no की बेस पे आप आगे चलते जाएंगे यस yes या नो इफ़ एल्स कंडीशन की बेस पे ठीक है आप आगे चलते जाएंगे सो so, आज का एल्गोरिथम हमारा डिसीजन ट्री है और डिसीजन ट्री क्या होता है इसको हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं सो so, कहने का मकसद ये है कि हमने जो पिछले दिनों एल्गोरिथम्स को स्टडी किया है दैट मैटर्स अ लॉट और अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक जितने भी हमने एल्गोरिथम्स देखे हैं उनको सही तरीके से स्टडी कर लिया हुआ है तो आपको ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये याद होनी चाहिए अगर आपको याद नहीं है सो आई हाईली रिकमेंड कि आप पिछले एल्गोरिथम्स को पहले फिनिश करें फिर आप इस एल्गोरिथम की तरफ आएँ इट वुड बी ईज़ियर फॉर यू